Hello viewers, today I am going to tell you a video SEO how to rank YouTube video on Google. Google पे आप अपने वीडियो को कैसे रैंक कर सकते हैं। तो न्यू अपडेट के हिसाब से आपका SEO डिफरेंट है, जैसे पहले SEO करते थे वैसे नहीं करेंगे, उससे थोड़ा सी फर्क हो जाएगा। तो कैसे SEO करेंगे इसके लिए हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। फॉलो दीज 5 स्टेप्स। आप हमको 5 स्टेप ऐसे फॉलो करने हैं जिसके थ्रू हम वीडियो को रैंक करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है कि टॉपिक ट्रैफिक पोटेंशियल होना चाहिए। टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप चाहते हैं, टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो जनता चाहती है, जो ट्रैफिक चाहती है। तो ट्रैफिक के अकॉर्डिंग अगर हम टॉपिक बनाते हैं तो उसको ट्रेंडिंग टॉपिक कहते हैं, क्योंकि उसको सभी देखना चाहता है। और ऐसा टॉपिक बनाने से क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड जब देखेगा तो आपका वीडियो वायरल होगा। जैसे आप पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पे टॉपिक बनाते हैं तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लोग ही उस टॉपिक को देखते हैं। लेकिन अगर आप जनरल टॉपिक बनाते हैं, जैसे ई कॉमर्स पे बनाते हैं और शेयर ट्रेडिंग पे बनाते हैं, या आप जनरल इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ें आप दिखा रहे हैं उसमें, या जनरल न्यूज़ दे रहे हैं, या फैक्ट पे बता रहे हैं, या आप एंटरटेनिंग चैनल बना रहे हैं, वीलॉग बना रहे हैं, तो उन सब पे लोग ज़्यादा जाते हैं। गेम्स खेल रहे हैं, अब जैसे आजकल गेम्स का वीडियो ज़्यादा चल रहा है, तो इस तरह के टॉपिक पे जब हम अपने वीडियो को बनाते हैं तो वो लोग जल्दी देखते हैं। अर्निंग्स पे आजकल वीडियो बहुत बन रहा है, क्योंकि पैंडेमिक के समय में सबकी अर्निंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, तो लोग ऑनलाइन अर्निंग करना सीख रहे हैं। तो इस तरह के टॉपिक पे जब हम बनाएंगे तो ट्रैफिक की पोटेंशियल टॉपिक होगा और जिससे कि हमारा वीडियो वायरल होगा। क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज वीडियो। ऐसा वीडियो बनाइए जिसका कंटेंट सबको पसंद हो। फिक्स द क्लोज कैप्शन। और न्यू अपडेट के हिसाब से, और पहले भी था, कि आप जिस लैंग्वेज में बोल रहे हैं वो आप स्पेसिफाई कर दीजिए, तो आपका यूट्यूब जो होगा उसको, अगर आप क्लोज कैप्शन लगाते हैं तो जिस भी लैंग्वेज में चाहिएगा उस लैंग्वेज में टेक्स्ट आपके वीडियो के साथ आता रहेगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड में लोग उसको देख पाएंगे। और जिस एरिया में आपका वीडियो जाए उसको आप सेलेक्ट करिए, उसका लोकेशन बताइए, तो उसी एरिया में जब जाएगा तो उस एरिया में उसी लैंग्वेज में उसमें क्लोज कैप्शन जब आएगा तो लोग आपके वीडियो को समझेंगे। जैसे साउथ इंडियन या बंगला के लोग अपना वीडियो जब बनाते हैं तो वो लोग क्लोज कैप्शन जब नहीं लगाते हैं तो उनके वीडियो की बातें जनरल लोगों को समझ नहीं आती है। अब जैसे हिंदी बोलने वाले जो लोग होते हैं उनका पाकिस्तान, बंगला, इन सब जगह तो लोग समझ रहे हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है वहाँ पे लोग उसको नहीं समझते हैं। तो वहाँ अगर आप आपका वीडियो जा रहा है तो अगर इंग्लिश कैप्शन लगाइएगा तो लोग ज़्यादा समझेंगे। तो इंग्लिश कैप्शन तो ऑलमोस्ट सभी जगह लोग समझते हैं। अब जैसे बहुत लोग उर्दू में बनाते हैं तो उर्दू में बनाने में किस स्पेसिफिक रीज़न के लोग ही, स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलने वाले लोग ही उसको समझ सकते हैं। अपलोड एंड आई कैचिंग थंबनेल। और आपका थंबनेल ऐसा होना चाहिए जो कि आई कैचिंग हो, लोग उस पर क्लिक करें ही करें, ऐसा थंबनेल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए कलर ग्रेडिंग आनी चाहिए, अच्छी इमेज उस पर होनी चाहिए, और बहुत सा डिटेल है जो हम आपको अंदर वीडियो में डिटेल में बताएंगे। एड टाइम स्टैम्प्स, ये एक नया चला है जिसमें आप अपने वीडियो को चैप्टर में डिवाइड कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प लगा सकते हैं, जिससे कि जो आदमी आपके वीडियो पर आए उसको जिस पर्टिकुलर रीज़न पर जिस टाइम स्टैम्प से देखना हो वीडियो वो देख सकता है, क्योंकि उसमें चैप्टर मेंशन रहता है कि हमारा पर्टिकुलर टाइम पे क्या टॉपिक शुरू होगा। सो लेट स्टार्ट।
fine topic with traffic potential. For a video to attract a view from a Google, two things have to be true. दो चीजें आपको करना बहुत जरूरी है traffic potential के लिए. People need to be searching on Google for that topic. If nobody is searching for it, then nobody will click on your video. अगर लोगों को उसकी requirement ही नहीं है जो topic आपने बनाया है, तो कोई क्यों देखेगा? तो ऐसा टॉपिक हमें सर्च करना है जो लोगों को की जरूरत हो और लोग देखें. द टॉपिक मस्ट हैव वीडियो इंटेंट. दिस मीन्स द मोस्ट सर्च वुड प्रिफर टू वॉच अ वीडियो अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक अगर होगा तो उस सब्जेक्ट के लोग उस वीडियो को देखेंगे. जैसे फैक्ट वाले फैक्ट को देखेंगे, गेम्स वाले गेम को देखेंगे और कुकिंग वाले कुकिंग को देखेंगे. तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ही वीडियो को बनाना है. नहीं कि कभी कुकिंग पे बना दिया, कभी टेक पे बना दिया, कभी फैक्ट पे बना दिया, तो आपके चैनल पे कोई नहीं आएगा. वो सोचेगा अरे इसमें तो सब खिचड़ी है. तो किसी पर्टिकुलर नीच पे ही आपको काम करना है और ऐसा टॉपिक चुनना है जो लोगों की रिक्वायरमेंट हो. अब जैसे आजकल ऑनलाइन काम ज़्यादा हो रहा है तो लोग ई कॉमर्स ज़्यादा देख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे देख रहे हैं, मशीन लर्निंग सीख रहे हैं, यूट्यूब पे काम करना सीख रहे हैं, तो तरह तरह के शेयर ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो एनिमेशन बनाना सीख रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं. द क्वेश्चन इज हाउ यू कैन फाइंड दिस टॉपिक इजिली. अब ये दिक्कत होती कि ट्रेंडिंग टॉपिक पाए कैसे. देर आर थ्री वेज टू डू दैट. यूज कॉन्टेंट एक्सप्लोरर. लेट्स योर सर्च डेटाबेस सॉर्ट द रिजल्ट बाय सर्च ट्रैफिक फ्रॉम हाउ टू लो हाई टू लो. They should give you a list of relevant YouTube video or currently get organic search traffic. अब इसके लिए बहुत से content explorer tools आ गए हैं जिसके थ्रू आप सर्च कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर वीडियो पर कितना ज़्यादा और कम ट्रैफिक है. तो उस ट्रैफिक के हिसाब से आप टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हैं. यूज साइट एक्सप्लोरर. अब साइट के एक्सप्लोरर जैसे सर्च फॉर youtube.com, गो टू द ऑर्गेनिक कीवर्ड रिपोर्ट, देन ऐड अ रेलेवेंट कीवर्ड टू द इंक्लूड फिल्टर. जैसे youtube.com लिखा और फिर टॉपिक लिखा. तो जब आप टॉपिक लिखिएगा और फिल्टर करिएगा तो आपका ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जो होगा वो आ जाएगा और आप कितना उस पर ट्रैफिक है वो दिखा देगा. अब जैसे यूज गूगल एंड एहरफ बैच एनालिसिस टूल. एक ये टूल हमें मिला सर्चिंग में, ब्राउजिंग में, इसको यूज़ करके आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं. द फ्री SERP स्क्रैपर टू यूज़ ब्राउजर देन रन इन सर्च ऑन गूगल. उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? साइट youtube.com और टॉपिक. नेक्स्ट गो टू सेटिंग एंड सर्च सेटिंग, देन सेट द रिजल्ट पर पेज टू 100. अब उस पर 100 जब आप सेट कर दीजिएगा तो 100 उस टॉपिक से रिलेटेड सर्च आ जाएगा. तो इसको ट्राई कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि कैसे होगा. तो चलते हैं YouTube पे. अब इसमें देखिए आपका ये एक्सप्लोरर में मेन पे दे रहा है के पॉप, स्मार्टफोन, कोरियन ड्रामा कोर्स, गूगल एडसीन पे, म्यूजिक पे, रिसेंटली अपलोडेड मिक्स, लाइव, न्यू टू यू, ये सारी चीज़ें दे रहा है. अब उसने बताया कि आप यहाँ लिखिए साइट यूट्यूब SEO यूट्यूब. अब हम SEO पे काम कर रहे हैं, इन हिंदी हम सर्च करते हैं तो अब देखिए कितना आता है. तो ये ढेर सारे टॉपिक आ गए और वो बता रहा है कि कौन सा वीडियो रैंक कर रहा है. यहाँ पे देखिए कोर्स दे रहा है, ट्यूटोरियल दे रहा है ना. तो इसमें देखिए जो सबसे पहले वीडियो है वो रैंक कर रहा है, 16 अक्टूबर को अपलोड हुआ है. तो इस तरह से आप अपने रैंक वीडियो को ढूंढ सकते हैं और वहाँ से फिर आप टॉपिक ढूंढ के उसका टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लेके अपने वीडियो में डालकर
काम कर सकते हैं। देखो इतने रिजल्ट आ गए, ढाई ढाई सैकड़ों हजार, 10,000, 10,00,000, 2,29,00,000 रिजल्ट है SEO पे। इतने वीडियो पढ़ चुके हैं तो मतलब SEO पे बहुत लोग वीडियो देख रहे हैं। अब मान लीजिए टॉपिक बदल लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं YouTube वीडियो, डिलीट यहाँ पर टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक। अब ये देखिए आ गया हाउ टू फाइंड ट्रेंडिंग टॉपिक। अब हाउ टू फाइंड ट्रेंडिंग टॉपिक ऑन YouTube। अब इस पे देखिए वीडियो कितने लाख है, 58,10,000 वीडियो। तो SEO पे तो 2,00,000 कुछ के करीब था और इस पे 2 करोड़ के करीब था, इस पे 58,00,000 ही है। तो मतलब SEO पर ज़्यादा वीडियो बन रहा है। तो अगर SEO पे आप काम करते हैं तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा और आपका वीडियो रैंक भी ज़्यादा लोग देखेंगे, क्योंकि SEO हर किसी के बस का नहीं कि पूरा पूरा वो सही से कर ले। तो SEO पे मान लीजिए जब यहाँ आप सर्च करते हैं SEO, तो देखिए सारे वीडियो YouTube के SEO वाले आ जाएंगे। वो हम लोग गूगल पे ढूंढ रहे थे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर YouTube पे जब हम सर्च करेंगे तो YouTube पे भी SEO पे सारे वीडियो आ जाएंगे जितने लोगों ने बना रखे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना आ रहा है, तो गूगल पे तो सबसे ज़्यादा सर्च होता है। अब यहाँ पर ये नहीं बता रहा कि कितने आ रहा है, कितने मिनट पर यूज़ हुआ, कितने हुआ, ये सारा कुछ यूट्यूब पर दिखा रहा है। यहाँ से देखिए कीवर्ड आप सर्च कर सकते हैं, SEO का सारा कुछ आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम टॉपिक की कितनी जी, ये देखिए 2,29,00,000 लोग SEO पर सर्च कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा उस टॉपिक की ज़रूरत है यहाँ से पता कर सकते हैं इस टूल के अकॉर्डिंग, एरर बैच एनालिसिस टूल के अकॉर्डिंग। तो गूगल पे साइट youtube.com और टॉपिक डाला हमने तो 2 करोड़ के करीब सर्च आ गया। अब क्रिएट एंड ऑप्टिमाइज वीडियो। अब आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा होना चाहिए और ऑप्टिमाइज होना चाहिए। तो यूज़ अ सिंपल लैंग्वेज एंड एक्शन वर्ड। अब आप अपने वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में बात करिए और उसको समझाइए और डिस्क्राइब करिए ईच इन वीडियो, तो आपको आपका वीडियो ज़्यादा लोग देखेंगे। इंश्योर दैट योर ऑडियो इज़ क्लियर और हाई क्वालिटी। और ये भी आपको श्योर करना पड़ेगा कि आपका माइक्रोफोन अच्छा है और आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं है, तब आपका वीडियो लोग ज़्यादा देखेंगे। टू शो व्हाट यू रीड यू आर टॉकिंग अबाउट ऑन स्क्रीन। जो आप बोल रहे हैं वो स्क्रीन पे होना चाहिए, ये नहीं कि जो बोल रहे हैं उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। स्टेप 3, इसमें 4 एक छूट गया, यूज रिलेटिंग वीडियो कीवर्ड इन टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड रैंकिंग हैशटैग। ऑप्टिमाइज करने के लिए ये भी जरूरी है कि कीवर्ड आप डालिए। अभी हमने दिखाया कैसे कीवर्ड देखिए, की टैग यू करके भी बहुत से ऐसे टूल हैं जिससे कीवर्ड आप अपने वीडियो से रिलेटेड गूगल पे, यूट्यूब पे और कीवर्ड सर्चिंग टूल में ढूंढ सकते हैं और वहाँ से आप ले करके अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग में डालिए। रैंकिंग हैशटैग भी आप यूज़ कर सकते हैं। हैशटैग जो होते हैं वो जो रैंक करते हैं उसको अगर आप अपने इसमें डालिएगा, जैसे आपका टैग का चैनल है तो आपसे सीनियर जो लोग हैं उनके हैशटैग डालने से आपका वीडियो रैंक करेगा। फिक्स योर क्लोज कैप्शन। अब यूट्यूब में ऑटोमेटिकली एड्स क्लोज कैप्शन टू वीडियो। अगर ऑटोमेटिकली आप क्लोज कैप्शन ऐड करते हैं तो वो ऐड तो हो जाता है लेकिन दैट वाज नॉट परफेक्ट, रेयरली परफेक्ट होता है, मिसस्पेल्ड होता है और ग्रामेटिकल एरर होती है उसमें और लोगों को समझ में भी नहीं आता क्योंकि वो प्रॉपर ट्रांसलेट नहीं होता है। तो ज़्यादा कोशिश ये करिए कि आप अपना खुद का स्क्रिप्ट बनाइए और उसको अपलोड कीजिए क्लोज कैप्शन के लिए।
इस पे हमने वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहिएगा तो YouTube असेट में जाकर देख लीजिएगा, उसमें क्लोज कैप्शन पे दिया हुआ है कि कैसे अपने टेक्स्ट को अपलोड करना चाहिए और ट्रांसक्रिप्शन करना चाहिए। अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं तो हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन आता है, जो आप सेट कर दीजिएगा उस लैंग्वेज में आपका स्क्रिप्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे लोग अच्छे से उसको समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके वीडियो पे एंगेजमेंट मिले। स्टेप फोर, अपलोड एन आई कैचिंग थंबनेल। जो है जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि ऐसा थंबनेल होना चाहिए कि लोग देखते ही मान उसको क्लिक कर दें। अगर आपका थंबनेल उतना अच्छा नहीं जितना दूसरे का और सेम टॉपिक के वीडियो एक जगह पे दिखते हैं, तो जिसका थंबनेल ज़्यादा अच्छा होगा उसको लोग देखना पसंद करेंगे। वीडियो विद अ पुअर थंबनेल वोंट गेट अ मेनी क्लिक फ्रॉम गूगल एज दोज विद अ एंटाइसिंग वन आई कैचिंग थंबनेल, जिनका होगा उसको लोग क्लिक करेंगे, आपके थंबनेल को नहीं क्लिक करेंगे। यूज़ अ कस्टम थंबनेल। अब कस्टमाइज करके अपने से प्रॉपर ढंग से थंबनेल को सोच विचार कर बनाइए और उसका रेशियो 16:9 रखिए, अगर बड़ा वीडियो है 9:16 रखिए अगर शॉर्ट वीडियो है, और 1:1 भी रख सकते हैं शॉर्ट वीडियो के लिए। यूज़ अ कॉन्ग्रुएंट इमेज, ऐसी इमेज हो जो थंबनेल के वीडियो के कंटेंट को क्यूरी को क्लियर करती हो, डेमॉन्स्ट्रेट करती हो। अब आपने बनाया पनीर पसंदा और उस पर कुछ और वीडियो लगा दे और पिक्चर लगा दी पनीर न लगा के, तो लोग क्यों खोलेंगे। अगर आपने कंटेंट बनाया SEO पे तो SEO ही का पिक्चर दिखाइए, तब लोग उसको खोलेंगे। करेक्ट एस्पेक्ट रेशियो पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप उसको देखना चाहिए तो प्लेलिस्ट से यूट्यूब असेट में जाकर देख लीजिएगा। कैसे हम प्रॉपर रेशियो बनाते हैं उसको हमने उसमें बताया है। यूज़ कंट्रास्ट टू योर एडवांटेज। अब आपका सफ़ेद पे देखिए ब्लू और रेड अच्छे से दिख रहा है, अब इसको अगर आप येलो से लिख दीजिएगा तो वो नहीं दिखेगा। अब येलो पे ब्लैक अच्छा दिखेगा, ब्लैक पे वाइट अच्छा या येलो अच्छा दिखेगा, वाइट पे रेड अच्छा दिख रहा है, तो इस तरह से कलर कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रास्ट लगाइए जिससे कि वीडियो के थंबनेल को लोग प्रॉपर ढंग से पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। यूज डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट ऑन द थंबनेल, और अपने थंबनेल पे ऐसा टेक्स्ट लगाइए जिससे कि लोग उसके बारे में समझे कि अंदर उसमें क्या है। जैसे कि हमने वीडियो में थंबनेल लगाया है, आपको दिखाया कि SEO का वीडियो अगर बना रहे हैं हम तो उसका थंबनेल SEO से रिलेटेड ही होना चाहिए, क्योंकि हमने ये देखिए आपको थंबनेल इसीलिए इसमें लगाया कि आपको दिखा सकें। इसमें देखिए SEO से रिलेटेड थंबनेल लगाया है और ये न्यू अपडेट के हिसाब से हमने वीडियो बनाया है जिससे कि आप इसको समझ सकिए कि हम इसके अंदर वीडियो का SEO ही बताने जा रहे हैं। और इसको लगाया एनिमेटेड इमोजी जो आजकल बहुत चल रहा है, जो बता रहा है कि बहुत अच्छा है, ज़रूर देखिए, प्रेस बेल करिए, सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब के न्यू अपडेट के हिसाब से SEO करिएगा तो आपका वीडियो ज़्यादा चलेगा। तो ये पूरा थंबनेल ये बता रहा है कि हम अंदर क्या बताने वाले हैं। तो नेक्स्ट अब चलते हैं फिर से अपने जगह पर। हाउ कैन यू फाइंड योर टॉपिक, हो गया हमने ये सब बता दिया, ऑप्टिमाइज कर दिया, क्लोज कैप्शन बता दिया, अब आता है आई कैचिंग थंबनेल बता दिया। आई कैचिंग थंबनेल कैसे बनता है, वीडियो विद अ पुअर थंबनेल वोंट गेट क्लिक, ये बताया आपको हमने, कंट्रास्ट कलर यूज़ कीजिए
डिस्क्रिप्टिव टेक्स हमने डाला कि वीडियो SEO क्या है और कैसे गूगल पे उसको रैंक करेंगे। अब स्टेप 5 है ऐड टाइम स्टैम्प। ये नए अपडेट के हिसाब से हम अपने वीडियो में टाइम स्टैम्प और चैप्टर लगा सकते हैं। गूगल इज प्रोबेबली मोर लाइकली टू शो की मोमेंट फॉर योर वीडियो इफ यू मार्क इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द यूट्यूब डिस्क्रिप्शन। अब हमने इसमें 5 स्टेप बताए हैं, तो हम 5 टाइम स्टैम्प लगा करके अपने वीडियो को पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। टू डू दैट यूज टाइम स्टैम्प एंड लेबल। और उसके लिए टाइम स्टैम्प एंड लेबल डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे, जिसको आप वीडियो में रन करते समय डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। और कैसे लगाते हैं ये हम बता रहे हैं। व्हाट इज अ टाइम स्टैम्प? दिस इज व्हेन अ क्लिप स्टार्ट इन द आर मिनट एंड सेकेंड फॉर्मेट। ये फॉर्मेट में आप कैप्शन लगा सकते हैं। मान लीजिए आपका 1 घंटे तक का वीडियो है, तब तो आप आर दीजिएगा, अदरवाइज मिनट और सेकेंड दे करके आप अपने फॉर्मेट को बना सकते हैं। यू कैन निगेट द आर इफ इट इज नॉट नीडेड। वीडियो टाइम स्टैम्प्स आर ऑटोमेटिकली लिंक्ड। और आजकल तो ये फैसिलिटी मिल गई है कि अगर आप कायदे से अपने चैप्टर को बोल रहे हैं कि स्टेप 5 में क्या है, ऐड टाइम स्टैम्प एंड चैप्टर, तो वो आपको ऑटोमेटिकली लिंक करके टाइम स्टैम्प बना देगा। व्हाट इज अ लेबल? दिस इज अ ब्रीफ एंड क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लिप। तो लेबल इसमें क्यों लगाते हैं हम? जो बताता है कि इस टाइम स्टैम्प में हम क्या बताने वाले हैं, जो कि आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लियर मेंशन करता है। बोनस टिप है हाउ टू यूज अ वीडियो टू गेट मोर वेबसाइट ट्रैफिक। अब मोर वेबसाइट ट्रैफिक गूगल के नियम के हिसाब से तभी मिलती है जबकि हम उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देते हैं। एम्बेड रेलेवेंट वीडियो ऑन टॉप रैंकिंग पेजेस। आप टॉप रैंकिंग पेजेस पे जो वीडियोज को एम्बेड कर सकते हैं, तो एम्बेडिंग करने से आपका वीडियो टॉप रैंकिंग में पेजेस पे आता है। लेकिन उसके लिए आपको एड स्कीमा मार्कअप फॉर एम्बेडेड वीडियो। जो वीडियो एम्बेड करते हैं उसका स्कीमा, स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर, उसका डिटेल, उसका एट्रीब्यूट जो आप देते हैं, तो गूगल कहता है कि आप अगर एट्रीब्यूट देते हैं तो आपका वीडियो इंडेक्सिंग प्रॉपर होता है और जल्दी सर्च में आता है। तो उसके लिए आपको वीडियो का नाम मतलब टाइटल देना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, अपलोड डेट देनी पड़ेगी, थंबनेल URL देना पड़ेगा, ड्यूरेशन देना पड़ेगा कितने टाइम का है, और लैंग्वेज देना पड़ेगा, और किस टाइप का वीडियो यूट्यूब से रिलेटेड का है कि आप कॉमन क्रिएटिव है, ये सारे डिटेल आपको देने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा अच्छे से स्पेसिफाइड करिएगा आप अपने डिटेल को, उतने अच्छे से गूगल उसको प्रॉपर वे से इंडेक्सिंग करके सर्च में जल्दी वीडियो को लाएगा, क्योंकि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। जगह लोकेशन भी अगर आप दे देते हैं तो किस पर्टिकुलर लोकेशन में आपका वीडियो दिखाया जाए वो वहाँ मेंशन हो जाता है कि आप इंडिया से हैं कि USA से हैं कि कहाँ से हैं, तो गूगल उस चीज़ों को, एट्रीब्यूट को ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है, जिससे आपका वीडियो ट्रैफिक बढ़ जाता है। एड ट्रांसक्रिप्शन टू थिन पेज विद एम्बेडेड। अब एम्बेडेड पेज में अगर ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होता है, ट्रांसक्रिप्शन मीन्स कि क्लोज टाइटल जो आती रहती है, आपका कैप्शन जो आता रहता है, वो अगर आप देते हैं तो आपको ज़्यादा व्यू मिलेगा। तो ये एट्रीब्यूट को ही हम, जो एट्रीब्यूट हम डिफाइन करते हैं उसको स्कीमा कहते हैं। तो वीडियो का स्कीमा बहुत ज़रूरी होता है। जो टाइटल आप टाइटल में डालिए वही डिस्क्रिप्शन में और वही टैग में डालिए और इसी से रिलेटेड कीवर्ड डालिए। किसी और का कीवर्ड डालने से फिर वो उसकी सर्च जो होती है वो गड़बड़ हो जाती है और वो दूसरी जगह वीडियो चला जाएगा। आप गूगल को जब सही चीज़ बताइएगा तो वो सही जगह पर जाएगा और आपका सर्च बढ़ जाएगा और आपका ट्रैफिक बढ़ेगा। फाइनल थॉट, वीडियो SEO इज़ अ डायनेमिक टॉपिक बिकॉज गूगल इज़ कंटिन्यूअली चेंजिंग द वे दे डिस्प्ले वीडियो इन अ सर्च रिजल्ट।
that said the two best practice remain static. Google जो होता है सर्च की को आए दिन चेंज करता रहता है, लेकिन दो चीज़ें जो हैं अगर आप प्रैक्टिस में रखते हैं तो आपका वीडियो ट्रैफिक बढ़ेगा और रैंक करेगा. क्रिएटिंग एंगेजिंग वीडियो फॉर यूज़र, यूज़र के लिए अगर एंगेजिंग वीडियो आप बनाते हैं, डू एवरीथिंग इन योर पावर टू हेल्प अ गूगल बेटर अंडरस्टैंड दैट कॉन्टेंट टू इंक्रीज द चांस ऑफ देम शोइंग योर वीडियो इन अ वेब सर्च रिजल्ट. आप जितना अच्छे से वीडियो को डिस्क्राइब करिएगा, गूगल उतने अच्छे से आपके कॉन्टेंट को समझेगा और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपके वीडियो को सर्च रिजल्ट में आए और आपका वीडियो लोग देखें. और अगर हमने कोई पॉइंट मिस किया हो तो आप प्लीज़ कमेंट में उसको बताइएगा. हम आपको ऑलरेडी वैसे तो हम YouTube फनल के बारे में बता चुके हैं, कैसे सर्च में आता है, कैसे रैंकिंग में आता है, कितना इंगेजमेंट है, कितने न्यू व्यूअर्स हैं, कितने ओल्ड व्यूअर्स हैं, इन सब के बारे में एक डिटेल में हम वीडियो बना चुके हैं. तो आप उसको देख लीजिएगा और अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और प्लीज़ बताइएगा कि यह वीडियो मेरा आपके लिए कुछ हेल्पफुल है या नहीं है. So this is all today, viewer. If you like it, please share and subscribe my channel Ratan.